Good morning, students. How are you? I hope you are all fine. Today I have discussed about the topic Poisson and displacement vector. Unit number हमारे पास second है और हम discuss कर रहे हैं बेटा vectors के बारे में. Vectors के बारे में discuss कर रहे हैं और हमने first lecture इसका discuss कर चुके थे हम. अब discuss करेंगे lecture number second. तो Poisson and displacement vectors क्या होते हैं किसी plane के अंदर उसके बारे में discuss करेंगे. Let us consider a coordinate system. मेरे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोई प्लेन है, ठीक है. उसके अंदर मानता हूँ मैं किसी ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन यहाँ पे ए है. ए पॉइंट के ऊपर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, किसी टाइम टी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट पे है, ठीक है. ओरिजिन से उसकी पोजीशन क्या रहेगी, ए. तो जो वेक्टर नोटेशन दिखाएंगे हम इसको, जो वेक्टर नोटेशन दिखा रहे हैं ओ से ए के बीच की, ठीक है. डायरेक्शन हम ऊपर चल कर रहे हैं, हेड होगा, ठीक है. क्योंकि वेक्टर से जो हेड होता है वो टेल होता है. यहाँ पे ओरिजिन पे तो क्या होगा, टेल, और इसलिए पोजीशन रखा उसके ऊपर क्या होगा, हेड होगा. तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है. यानी कि आपका पोजीशन वेक्टर ए है, ठीक है. इसी प्रकार से अगर एट एनी इंस्टेंट टाइम टी डैश टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, वो बी पॉइंट के ऊपर है, ठीक है. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अब उसकी पोजीशन कितनी है. तो बी पॉइंट में जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन यहाँ पे रहेगी हमारे पास, ये पोजीशन वेक्टर रहेगा ओपी, ठीक है. ये ओए था, ये ओपी होगा, ठीक है. अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे ए से बी के बीच में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया. तो डिस्प्लेसमेंट किया ए बी, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. नेट रिजल्टेंट इनका हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे, ठीक है. अब हम देखते हैं यहाँ पे पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन देखते हैं. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इंस्टेंट इज ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, यानी हम ओरिजिन से वेक्टर ड्रॉन कर रहे हैं, ठीक है. तो हम उस ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट, ठीक है. तो हम पोजीशन ओरिजिन से जब पोजीशन ड्रॉन कर रहे हैं तो उस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे, ठीक है. इसके बाद आती है बात डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज दैट वेक्टर व्हिच टेल्स हाउ मच एंड व्हिच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, कितनी और किस डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट ने पोजीशन को चेंज किया है. अब देखो यहां पर मान ए से बी पोजीशन चेंज कर रहा है, ए से बी हमने इसे क्या दिखा दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखा दिया, ठीक है. अब इट्स पोजीशन इज ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल के दौरान, जैसे ए पे हमारे पास ऑब्जेक्ट था टी टाइम के लिए, बी पे पहुंच गया टी डैश टाइम के लिए. तो गिवन टाइम इंटरवल के लिए किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, गिवन इंटरवल ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में वो हम उसको मूव करवा रहे हैं और कितना उसने टाइम लिया मूव करने में, ठीक है. तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा. मान लो सपोज करो मैं थोड़ा सा इसको आगे करूं, एक पॉइंट पे हमारे पास x i y j, ये हमारे पास पोजीशन है, यहाँ पे x डैश i और y डैश j, यहाँ पे पोजीशन ले ली, ठीक है. दो पोजीशन ले ली x और y की, हमने यहाँ पे पोजीशन नोट कर दी x i और y i, यानी हमारे पास ए पॉइंट पे जो हमारे ए पॉइंट पे पोजीशन ऑब्जेक्ट था तो x और y है, यहाँ पे i इज कोऑर्डिनेट में बाद में लूंगा, ठीक है. ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पोजीशन x y है, बी पॉइंट पोजीशन x डैश y डैश है. अब हम लिखेंगे OA की वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी, तो OA की जो वैल्यू आएगी मेरे पास OA की, OA की वैल्यू आएगी वो मेरे पास x i, हम यहाँ पे लिखते हैं, और प्लस का y j, x i y j, OA की मेरे पास वैल्यू आई x i y j, ठीक है. इसी प्रकार से OB है मेरे पास पोजीशन वेक्टर, वो कितना आएगा x डैश i प्लस का y डैश j, x डैश i y डैश j. अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ए बी. तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट ए बी, ए बी का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, x डैश माइनस का x i, ठीक है, और प्लस का y डैश माइनस y और ये j. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, कि ए बी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इतना रहेगा, ठीक है. आई होप ये आप लोग क्लियर हुआ होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यूज करेंगे और ये वेक्टर एडिशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आगे इसका डिस्कशन हम करते रहेंगे. वेक्टर एडिशंस बाय ज्योमेट्रिकल मेथड के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर. हम एक जनरल रूल पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर का, चाहे हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं, चाहे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं, टू जो हमारे पास वेक्टर उनका सम करें, ठीक है. तो सभी के अंदर क्या रहेगा, सेम रूल लगेगा, ठीक है. तो बार बार हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, तो आप इसे भी देख लेंगे, अपने स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे साथ साथ और इसको नोट करेंगे. इट
स्टेट दैट द वेक्टर्स टू बी एडेड आर अरेंज्ड इन सच ए वे, हमें किसी वेक्टर्स को इस प्रकार से अरेंज करना है ए वे दैट द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, मेरे पास मान लो नंबर्स ऑफ वेक्टर होंगे, ठीक है, तो मान लो फर्स्ट वेक्टर है उसका मान ये है, जैसे एक वेक्टर मेरे पास ये है ए वेक्टर, ठीक है, तो ये इसकी टेल होती है और ये इसका हेड होता है, तो इसमें ये बताया कि हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ए, इसका फर्स्ट वेक्टर का हेड, और जो सेकंड वेक्टर है का मान लो बी है उसका टेल, ठीक है, कोइंसाइड विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, ठीक है, कि हमने फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर की टेल से कोइंसाइड करना है, एंड उसके बाद क्या करना है, टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर व्हिच हेड कोइंसाइड विद टेल ऑफ द थर्ड वेक्टर एंड सो ऑन, और क्या कर रहा है कि हमने मान लो थर्ड वेक्टर ले लिया, यहां पे एक थर्ड वेक्टर ले लिया सी, तो क्या करेंगे भाई यहाँ पे सी जो वेक्टर है उसका क्या करेंगे बी के हेड का और सी का टेल कोइंसाइड करें, और इस प्रकार से मेरे पास और नंबर्स ऑफ वेक्टर हो तो क्या करेंगे, मान लो मेरे पास एक वेक्टर हो डी, तो डी वेक्टर है उसकी टेल और सी वेक्टर का हेड कोइंसाइड करें, इस प्रकार से अरेंज करना हमें, और जब लास्ट में का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट वेक्टर हमारे पास ए लिया था उसकी टेल, रिजल्टेंट क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालने के लिए जो लास्ट आएगा तो टेल हमारे पास क्या रहेगी, फर्स्ट वेक्टर की टेल से टेल और जो हेड है लास्ट वेक्टर हेड से हेड कोइंसाइड कर रहा है तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, इस प्रकार से हम इसको ये जनरल रूल होते हैं, इसमें टू भी होते हैं, टू वेक्टर्स भी होते हैं, थ्री वेक्टर्स होते हैं, फोर भी होते हैं और नंबर्स ऑफ वेक्टर हम इसको ले सकते हैं, ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं द अबव रूल इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग केस, हमें फॉलोइंग केस लेके इसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं आप लोगों को, देखिए नंबर ए है व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, जब टू वेक्टर्स है सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या है, देखो मान लो एक वेक्टर मेरे पास ए था, दूसरा वेक्टर मेरे पास बी था, ठीक है, क्या कर दिया मैंने ए और वेक्टर बी, जब ए वेक्टर है उसका हमने क्या कर दिया यहाँ पे क्या ले लिया इसका हेड ले लिया, ठीक है, सेकंड वेक्टर उसका क्या ले लिया टेल ले लिया और हमने हेड और टेल को मिलाया तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो पूरा आएगा आर, इनका सम हो जाएगा दोनों का, ठीक है, तो रिजल्टेंट आया मेरे पास आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालना हो मुझे तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करूंगा मैं इसका मॉडुलस कर दूंगा और ए वेक्टर है उनका मॉडुलस और उन दोनों के सम के बराबर ही रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इनका आएगा, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सेम केस हमारे पास क्या रहेगा, अगर टू वेक्टर्स है ना, एक वेक्टर हमारे पास एक वन डायरेक्शन में हो और दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या हो अपोजिट डायरेक्शन में, व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन क्या जाए एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में अगर होगा तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा वो देखिए, तो अपोजिट डायरेक्शन में इसको एक्सप्लेनेशन मैं अभी यहीं पे करवा देता हूं, ठीक है, एक वेक्टर मेरे पास ए था और दूसरा वेक्टर मेरे पास क्या है बी है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर मेरे पास ये है बी, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो मेरे पास किस प्रकार से है देखिए, मान लो ये मेरे पास वेक्टर ए था, बी वेक्टर क्या कर रहा है यहाँ पे, बी वेक्टर मेरे पास यहाँ पे मूव कर रहा है इस साइड में, तो ये मेरे पास बी वेक्टर है तो इनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा आर यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा ये, ठीक है, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड लार्ज होगा वो उस डायरेक्शन में उसके क्या होगी डायरेक्शन होगी तो R इज इक्वल टू ए माइनस का B आएगा, डायरेक्शन अपोजिट है तो R इज इक्वल टू ए माइनस का B इसका ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगी, डायरेक्शन क्या होगी इनकी अपोजिट हो गई है और इस कंडीशन में A है ना, कंडीशन में मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा जो A है इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन है किसका बी के मैग्नीट्यूड से, तब ये कंडीशन आएगी, तो जब टू वेक्टर्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे बी पॉइंट के लिए क्या आप देख सकते हैं, when the two vectors are acting in the opposite direction में होगा तो आपका किस प्रकार से ये कंडीशन आएगी। अब हम डिस्कस करते हैं जो वेक्टर्स हमारे पास थ्री और मोर देन थ्री, तो सो डियर स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं when two vectors are act as the sum angles, जो टू वैक्टर्स आपके कुछ एंगल के साथ एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में थे बी फॉर ए पार्ट वाला, यहाँ पे टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सम एंगल, मान मेरे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दोनों क्या कर रहे हैं किसी एंगल से एंगल थीटा से क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, मान लो ये मेरे पास ओ पी वेक्टर ए है और पी क्यू वेक्टर मैंने क्या कर दिया बी, क्योंकि मैंने इनको अरेंज किया है सम एंगल से, ठीक है, तो हमने देखा जो वेक्टर हमारे पास ए है, ए वेक्टर है जनरल रूल के अकॉर्डिंग इसका हेड और बी वेक्टर का टेल हमने कोइंसाइड करवा दिया है यहाँ पे, तो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो मेरे पास क्या आएगा यहाँ ओ क्यू आएगा आर, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा ओ क्यू, ओ क्यू रहेगा ओ पी प्लस का रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा ओ पी प्लस का पी क्यू, ठीक है, अब ओ ये वैल्यू आएगी आर और ये इसके बराबर आएगा ए प्लस बी,
ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास नेट रिजल्टेंट आएगा ए प्लस बी। ठीक है, इसे कहते हैं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर डेफिनेशन देखिए, इट स्टेट दैट टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, किसी टू वेक्टर से किसी पार्टिकल पर एक्ट कर रहे हैं द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन वन ऑर्डर। जब टू साइड्स ट्राइंगल की किसी एक ही ऑर्डर के अंदर हो तो उनका जो रिजल्टेंट रहेगा, अगर यहाँ पे साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन इन वन ऑर्डर देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो मेरे पास यहाँ पे देखिए, यहाँ तो यहाँ पे थर्ड साइड है, ये हेड से हेड कौन साइड करेंगे और जो आपके पास वेक्टर उसका टेल से टेल कौन साइड कर रहा है, तो अपोजिट ऑर्डर के अंदर इनका क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर हम रिप्रेजेंट करेंगे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और सेम टू सेम अगर हम बात करें यहाँ पे पैरेललोग्राम की, तो यहाँ पे इसी के अंदर देख लीजिए पैरेललोग्राम कैसे हम इसको ड्रा करेंगे। तो हमने सपोज किया टू वेक्टर ले रखे हैं ए और बी, हमने क्या ले यहाँ पे टू वेक्टर ले लिए ए एंड बी। तो हम टू वेक्टर्स को कैसे अरेंज करेंगे, देखिए मेरे पास एक वेक्टर था यहाँ ओ, ये वेक्टर ए है, एक वेक्टर ले लिया यहाँ पे ये बी वेक्टर में इस प्रकार से ले रहा हूँ। ठीक है, एक वेक्टर बी ले लिया और एक वेक्टर हमने ले लिया यहाँ पे ए। ठीक है, ए और बी टू वेक्टर्स हमने यहाँ ड्रा कर दिए। तो हम देखेंगे इसके पैरेलल, इसके पैरेलल लाइन अगर मैं ड्रा कर रहा हूँ ये, और इसके पैरेलल लाइन ड्रा करूँगा मेरे पास यहाँ पे लाइन ये हो जाएगी ये। ठीक है, तो ये वेक्टर आपका ए रहेगा और ये वेक्टर क्या रहेगा बी, क्योंकि और डायगोनल है ये आपका क्या रहेंगे डायगोनल्स, डायगोनल यहाँ पे रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा डायगोनल्स। ठीक है, तो एक वेक्टर आपने बी ले लिया और एक वेक्टर आपने एडजेसेंट यानी कि पॉइंट से कर लिया ए ले लिया। ठीक है, अब बी के पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रा कर दें और ए के पैरेलल आप यहाँ लाइन ड्रा कर दें। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट निकालना है दोनों केस के अंदर, तो हमारे पास रिजल्टेंट होगा डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेललोग्राम रहेगा और इसका डायगोनल ही क्या रहेगा रिजल्टेंट रहेगा। इस केस में देख लीजिए आप, यहाँ से यहाँ हेड और इसका टेल कौन साइड कर रहा है, यहाँ पे देखिए इसका टेल टेल। ठीक है, और इसके पैरेलल अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो पैरेलल रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में हेड से हेड कौन साइड हो रहा है। तो ठीक है, इसके अंदर डेफिनेशन सेम रहेगी। ठीक है, थोड़ा चेंज रहेगा, टू वेक्टर है वो आप किसी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, जो आपके पास है ना पार्टिकल सेम टाइम के अंदर करेंट डायरेक्शन और एडजेसेंट साइड्स, यहाँ पे एडजेसेंट साइड का आपने देख रहा है किसी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे एडजेसेंट साइड के ऊपर वो मूव कर रही है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियर हुआ होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को मैंने डिफाइन कर दिया है, स्टेट दैट टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। जब टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम को ड्रॉ करना है फ्रॉम ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट के ऊपर जैसे ए और बी मैंने ड्रॉ कर दी, देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट के ऊपर, इसी पॉइंट के ऊपर है वो मैग्नीट्यूड है वो आपका क्या रहेगा रिजल्टेंट रहेगा। इसी पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट में ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसी पॉइंट के ऊपर डायगोनल को रिप्रेजेंट कर दूंगा वो उसका क्या रहेगा मैग्नीट्यूड रहेगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हेन नंबर्स ऑफ वेक्टर्स एक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन। नंबर्स ऑफ वेक्टर हो ए बी सी डी इस प्रकार से नंबर्स ऑफ वेक्टर हो सकते हैं और डिफरेंट साइड्स में जब वो एक्ट कर रहे हो तो हमारे पास उसको कहते हैं पॉलीगोनल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमारे पास देखिए ए बी सी डी मेरे पास फोर वेक्टर्स हैं और वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमने इसको अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे, देखिए सबसे पहले तो मैंने क्या किया ए वेक्टर लिया ओ पी, फिर बी वेक्टर लिया यहाँ पे देखिए आप वेक्टर ए है इसका तो है और वेक्टर बी है उसका है टेल कौन साइड कर रहे हैं सेम ऑर्डर में है, उसके बाद वेक्टर सी है उसका टेल और वेक्टर बी है इसका हेड सेम कौन साइड कर रहे हैं सेम डायरेक्शन के अंदर, इस प्रकार से वेक्टर आपके डी है उसका टेल और वेक्टर सी है उसका हेड कौन साइड कर रहे हैं और ये सेम ऑर्डर में है। तो ए बी सी डी आपका सेम ऑर्डर में है, हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट हमेशा अपोजिट ऑर्डर में होता है, यही पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है। तो वेक्टर एडिशन पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि नंबर्स ऑफ वेक्टर सेम ऑर्डर में है बट आपने रिजल्टेंट निकालना है वो आपका अपोजिट ऑर्डर में रहेगा, तो आर आपका अपोजिट ऑर्डर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हम देखेंगे, मान लो सबसे पहले हमने ड्रा किया एक ट्राइंगल ये ले लिया हमने यहाँ पे इस प्रकार से, तो ए और बी जब यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना हमें, मान लो ये ओ ओ क्यू का रिजल्टेंट निकालना हमें ओ क्यू का, तो ये रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा ओ पी प्लस का पी क्यू जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो
दिया है आप लोग के पास ए प्लस का बी, इस प्रकार से हम कहेंगे ये आप रिजल्ट आया है ए प्लस बी। अब इसको आप इन टर्म्स को दोनों को भूल जाइए, फिर आएगा ओ क्यू एस। ओ क्यू एस के अंदर आप देखेंगे ओ एस, ओ एस के अंदर क्या आएगा ए प्लस बी आप लोगों के पास ऑलरेडी था ही, ठीक है, और प्लस का सी वेक्टर और जुड़ जाएगा इसमें, तो ओ एस की वैल्यू आ गई ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए बी सी आप लोगों के पास इस प्रकार से आ जाएगी। अब ये ट्राइंगल आपको इस प्रकार से बनेंगे, देखिए ये बन गई आप लोगों के पास ये ओ एस डी। तो अब ओ एस डी में हमें निकालना आर का रिजल्टेंट, आर का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ए बी सी हमारे पास था ही और ये रिजल्टेंट डी का और हम जोड़ देंगे, तो आर आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी और प्लस का डी। इस प्रकार से हम रिजल्टेंट वेक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये आप लोगों को अच्छे समझ आया होगा, आप स्क्रीनशॉट लेके इनके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो और इसी के साथ आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।